सो गाइस कि आप लोग भी फालतू ईमेल से परेशान हैं, मतलब क्या होता है कि आपके ईमेल अकाउंट या फिर आपके जीमेल अकाउंट में कभी कंपनी द्वारा या फिर कभी वेबसाइट द्वारा फालतू के मैसेज आते रहते होंगे जिन्हें आप कभी जानते ही नहीं, या फिर जानते हुए फिर मतलब कहीं वेबसाइट में कभी घुसे नहीं होंगे, किसी को सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे, फिर भी मतलब आपके ईमेल अकाउंट में हमेशा मतलब मैसेज आते रहता है, ऐसे फालतू के मैसेज आते रहता है। तो गाइस उसके बिल्कुल कैसे ब्लॉक कर सकते हो, क्या होता है कि उसमें हमारा बहुत सारा जो ईमेल में बहुत सारा जो हमारा इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। तो गाइस कई सारे ऐसे हैकर लोग भी होते हैं एंड कई सारे ऐसे फेक ईमेल्स भी होते हैं प्रमोशन वाले, तो उसमें हमें डर होता है। तो गाइस इससे हमें ऐसा प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स होते हैं, हमारे काम के ईमेल्स होते हैं, उन्हें हम चेक नहीं कर पाते क्योंकि हमारे प्रमोशंस के इतने सारे ईमेल्स हमें ऐसा रोज़ भेजते रहते हैं, इससे हमें ऐसा बहुत सारे परेशानियाँ होता है। तो गाइस अगर हम ईमेल्स की बात करें तो ईमेल्स हमें दो ऑप्शन दे रखा है, एक सोशल का और दूसरा है प्रमोशंस का। ईमेल्स प्रमोशन वाला क्या होता है कि हमें ऐसा प्रमोशन वाले ईमेल्स आते रहते हैं, एंड जो इन सोशल वाले क्या होता है उसमें हमारा जो भी सोशल एक्टिविटी जो भी हम चलाते हैं सोशल में, फेसबुक वगैरह व्हाट्सअप वगैरह फिर कुछ भी ईमेल्स इंस्टाग्राम हो गया, तो उससे हमें मैसेज आता है। बट कोई कंपनी ऐसा होते हैं कि मतलब डायरेक्टली हमें मैसेज करते हैं, डायरेक्टली हमें परेशान करते हैं कोई भी फेक मैसेजेस या फिर फेक कंपनी या मतलब वैसे वेबसाइट, तो गाइस उस वजह से बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। तो गाइस आज को दिन पर बताने वाला हूँ कि ऐसे आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, कैसे उसको हटा सकते हो जिससे कि वो हमें कभी परेशान नहीं कर पाए एंड आपका जो जीमेल है फाइनली फुल सेफ रह सके। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। उससे पहले गाइस मेरा नाम शैलेश सर, आप देख लो एस टेक्स्ट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरे देख सकते हो तो मेरे सामने बहुत सारा जो फालतू ईमेल्स हैं भरे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक सेलेक्ट करके आपको दिखाना हुआ मतलब रिमूव करके, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करते हैं इसमें एंड क्या करना, सिंपली आपको देखना है सबसे पहले कि आपको कौन सा मतलब कंपनी है। यहाँ पे मैं तो बता नहीं सकता मतलब कौन कंपनी है, तो सिंपली इसमें आपको आ जाना नीचे एंड उसको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा सी री यूट होता है, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आपने आ जाना है एंड सिंपली इसका ओपन हो जाएगा जो भी आपके इसका वेबसाइट या कुछ भी है। तो सिंपली आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है यहाँ पे इस घंटी में, फिर देख सकते हो आपको घंटी का यहाँ पे बेल आइकन का इसमें क्लिक करना है एक बार एंड सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन आपको यहाँ सेटिंग में यहाँ दिख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सेटिंग आ जाना है यहाँ पे देख सकते हो ब्राउज़र पुश नोटिफिकेशन, तो सिंपली इसको आपको ऑफ कर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ कर देना है सिंपली। सो गाइस सेकंड तरीका क्या है कि सिंपली आपको उसको ईमेल ओपन करना है एंड क्या करना है, ऊपर में आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन दिखेगा, यहाँ पे थ्री डॉट, तो सिंपली थ्री डॉट में क्लिक करना है आपको एक बार। तो जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे प्रिंट मार्क एंड रेड फ्रॉम हेयर एंड सबसे नीचे आपको देखने के लिए ब्लॉक, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा है यहाँ पे, तो सिंपली आपको क्लिक करना है इसमें एंड फाइनली आपका जो है पूरा ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो रिपोर्ट स्पैम भी कर सकते हैं, फाइनली ये ब्लॉक हो जाएगा। बस इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, इसको हटा सकते हो अपने मैसेज को, इससे आपका आपको केयरफुली आप आपका जो मैसेज है आपका जो ईमेल है फाइनली आपका जो सेव रहेगा। एंड गाइस इससे बहुत सारे तरीके हैं इसको ऑफ करने के लिए, बट मैं आपको सिंपल वे में बताया जो भी आप सिंपली कर सकते हो, इससे बहुत सारा कोई नुकसान ना हो। अगर आप ऐप से करते हो तो उससे आप सारा आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा लीक हो सकता है, तो मैंने बताया कि आप ऐप से ही कर सकते हो, ऐसा कुछ मैसेज की सेटिंग से ही कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।